नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस में जब आप वोट डालने जाते हो, अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए ईवीएम पर बटन दबाते हो, कभी आपने सोचकर देखा है कि क्या गारंटी है आपका वोट एक्चुअली में रजिस्टर किया जा रहा है, आपका वोट एक्चुअली में काउंट किया जा रहा है? और सिर्फ ईवीएम के लिए नहीं बोल रहा मैं, बैलेट पेपर के लिए भी सोचकर देखो। बैलेट पेपर से जब आप वोट दोगे, क्या गारंटी है उस बैलेट पेपर को काउंट किया जाएगा जब एक्चुअली में वोट्स की काउंटिंग होगी? तो कोई घपला नहीं करेगा यहां पर। हमें ये गारंटी मिलती है एक सेंट्रल एजेंसी से जो कि है इलेक्शन कमीशन। हमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन पर ब्लाइंडली भरोसा करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम यहां पर सही से करेगा, तभी हमारे वोट को सही से काउंट किया जाएगा। लेकिन इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर हम ये गारंटी खुद ही से ही ले पाते और किसी भी सेंट्रल एजेंसी, इलेक्शन कमीशन या तीसरी पार्टी की जरूरत ना पड़ती, हमें किसी और पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही से ही अपना वोट वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारा वोट काउंट किया गया है। आप क्या आप जानते हैं ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है दोस्तों ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके? सही सुना आपने, वही टेक्नोलॉजी जिस पर बिटकॉइन आधारित है, ब्लॉकचेन। कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरे वोटिंग सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करके रख सकती है टेक्नोलॉजी। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है और कैसे काम करती है ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, आइए जानते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है ये ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन बेसिकली एक तकनीक है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, डेटा स्टोर करने की डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी जो पूरे डेटा को कंट्रोल करेगी, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगी। आप आरबीआई का एग्जांपल ले लो, हमारे जो इंडियन रुपीज होते हैं, ये 500 रुपए का नोट है, इसे आरबीआई ने छापा है, आरबीआई गारंटी देता है कि इसकी वैल्यू 500 रुपए है और इसकी वैल्यू 501 या 502 रुपए नहीं है। इस नोट पर भी लिखा हुआ है कि आरबीआई की तरफ से ये गारंटी होती है। तो आरबीआई बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी है दुनिया भर के इंडियन रुपी नोट्स को कंट्रोल करने वाली। आरबीआई चाहे तो नोट्स की वैल्यू बदल सकती है, चाहे तो और नोट्स छाप सकती है या कम नोट्स छाप सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बिटकॉइन जैसी जो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है बिटकॉइन को कंट्रोल करने वाली। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज्ड बनाती है। अब इंफॉर्मेशन स्टोर करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप पेपर पर कुछ लिखते हो, वो एक तरीका है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का, या फिर कंप्यूटर खोलकर एक्सेल फाइल में कुछ लिखते हो, वो भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। एक्सेल फाइल में आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होती है एक टेबल के फॉर्म में, टेबल्स बने आते हैं ना, ऐसे ही ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर किया जाता है ब्लॉक्स के फॉर्म में। हर ब्लॉक तीन मेन चीजों से बनता है। पहला, जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन आप किसी ब्लॉक के अंदर डालोगे। दूसरा, हर ब्लॉक का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है जिसे हैश कहते हैं। ये एक तरीका है बेसिकली ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का बाकी और ब्लॉक से। हर ब्लॉक का अपना अपना एक फिंगरप्रिंट है। और तीसरा, किसी भी ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक अपने पीछे वाले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट भी स्टोर करके रखता है। तो ये एक ब्लॉकचेन है, यहां पर इस वाले ब्लॉक में इसका खुद का फिंगरप्रिंट होगा और इसके पीछे वाले ब्लॉक का भी फिंगरप्रिंट होगा, और तीसरा, बाकी जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे वो इस ब्लॉक के अंदर होगी। इसी तरह से ही सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी कि किसी भी ब्लॉक में अगर आप मौजूद डेटा को बदलने की कोशिश करोगे, टैम्पर करने की कोशिश करोगे डेटा के साथ, तो उससे उस ब्लॉक का फिंगरप्रिंट यानी हैश बदल जाएगा। और अगर एक ब्लॉक का हैश बदला तो उसके आगे वाले ब्लॉक का भी हैश बदल जाएगा, उसके आगे वाले ब्लॉक का भी हैश बदल जाएगा, और पूरी ब्लॉकचेन यहां पर खराब हो जाएगी। इसी रीजन से डेटा के साथ छेड़छाड़ी करना, टैम्परिंग करना नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है एक ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि एक बारी एक ब्लॉक यहां पर डिफाइंड हो गया, ब्लॉकचेन में जुड़ गया, तो उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा बड़ा रीजन ब्लॉकचेन के सिक्योर होने के पीछे है इसकी डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी ब्लॉकचेन आपको सिर्फ किसी एक कंप्यूटर में नहीं मिलेगी, ब्लॉकचेन्स मौजूद होती हैं हमेशा एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में, यानी बहुत सारे कंप्यूटर्स में दुनिया भर के, जिन लोगों ने इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट किया है उन सबके कंप्यूटर पर इस ब्लॉकचेन की एक कॉपी जरूर होती है। तो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बल्कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स सबके द्वारा इसे मैनेज किया जा रहा है और रन किया जा रहा है। जो लोग अपने कंप्यूटर्स के द्वारा इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं और जो अपने कंप्यूटर पर ब्लॉकचेन को रन होने देते हैं, उन्हें नोड्स कहा जाता है। उनमें से कुछ नोड्स होते हैं माइनर्स।
जब भी ब्लॉकचेन में कोई नया डेटा ऐड किया जाता है तो इन सारे माइनर्स का काम होता है उसे वेरीफाई करना कि जिस इंसान ने इस डेटा को ऐड किया वो सही तरीके से किया है या नहीं किया, या फिर यहां पर कोई टैम्परिंग करने की कोशिश करी जा रही है। ये सारे माइनर्स इस चीज को वेरीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है वो देख सकता है कि इस ब्लॉकचेन में कौन कौन से ब्लॉक्स ऐड किए गए हैं। किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं, आप भी अपना कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करके जान सकते हैं और खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि इलेक्शन के प्रोसेस में ऐसी इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जा सकती हैं जहां पर आप वोट दें और खुद ही से ही वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में आपका वोट यहां पर काउंट किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन ये सब तो बहुत थ्योरेटिकल चीजें हो गई, कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने बात करी एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से। प्रैक्टिकल रियल लाइफ यूज केसेस बता सकते हैं ब्लॉकचेन के जहां पर इसे इस्तेमाल ऑलरेडी किया जाने लग रहा है बिटकॉइन के अलावा? तो अगर मैं इंडिया की सिर्फ बात करूं, इंडिया में जो सबसे बड़ा यूज केस दिखता है वो है एजुकेशन सिस्टम में, जहां पे लोग मार्कशीट को फोर्ज करके दिखाते हैं। कई जगह क्या होता है कि आप लोगों को भरोसा नहीं होता है कि सामने वाला बंदा आईएम से पढ़ा होगा या फिर सामने वाला बंदा आईआईटी से पढ़ा होगा, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को आप प्रूफ बताओ, तो आपके पास हो सकता है कि आज प्रूफ ना हो अपार्ट फ्रॉम योर सर्टिफिकेट, ठीक है, लेकिन आप डिजिटली प्रूफ भी नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते कहीं। तो वहां पे एक सबसे बड़ा यूज केस है और लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मतलब हम अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और फिर वो बदले नहीं जा सकते, ये फायदा है ब्लॉकचेन। जी हाँ, जी हाँ। और इससे सबसे बड़ा यूज केस ये है कि जो मार्कशीट अपलोडर है, लेट्स से कि सीबीएसई इज अ बोर्ड, ठीक है, या फिर यूपी इज अ बोर्ड और जो भी बोर्ड्स हैं, वो बोर्ड डायरेक्टली ब्लॉकचेन यूज करके मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ताकि कल को क्या हो सकता है, करप्ट कोई इंसान वो इन सारे सीबीएसई या फिर इन सारे बोर्ड्स के अंदर चला गया और वो अगर चाहे तो आपका मार्कशीट भी चेंज कर सकता है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, दैट इज पॉसिबल टुडे आल्सो। अगर लेकिन अगर वो चीज ब्लॉकचेन के थ्रू की गई होती तो इट कैन नेवर बी चेंज। अगर वो चेंज पुरानी मार्कशीट को कभी चेंज नहीं किया जा सके, अगर वो चेंज नहीं करता है तो आपको उसका एक ट्रेस दिख जाएगा कि ये बंदे ने यहाँ पे चेंज किया। एक सवाल शायद आपके दिमाग में यहाँ पर आएगा कि अगर ब्लॉकचेन में मौजूद इन्फॉर्मेशन को हर कोई देख सकता है और ब्लॉकचेन की कॉपी नेटवर्क के हर कंप्यूटर में मौजूद होगी, तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे वो प्राइवेट नहीं रहेगी? फिर तो इन्फॉर्मेशन को कोई भी देख सकता है, आपकी प्राइवेसी का क्या? एक्चुअली में दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है ब्लॉकचेन पे वो ना सिर्फ सिक्योर है बल्कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट भी करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। इसे बेसिकली ईमेल एड्रेस और ईमेल के पासवर्ड की तरह समझ लो। जब आप अपने ईमेल पे लॉगिन करते हो तो आप अपना ईमेल आईडी डालते हो और अपना पासवर्ड डालते हो और आप अपने ईमेल अकाउंट के अंदर सिर्फ खुद ही से ही लॉगिन कर सकते हो। ऐसा ही ब्लॉकचेन के साथ भी है। लेकिन जब आप दूसरों को अपना ईमेल आईडी शेयर करते हो तो आप अपना पब्लिक एड्रेस शेयर करते हो, ना कि अपनी प्राइवेट की शेयर करते हो। और ये जो पब्लिक एड्रेस होता है, ये बहुत ही रैंडम सा कॉम्बिनेशन है कुछ नंबर्स और डिजिट्स का, कुछ इस तरह से। तो अगर आप वोट डालते हो अपने पब्लिक एड्रेस का इस्तेमाल करके किसी कैंडिडेट को ब्लॉकचेन के सिस्टम के द्वारा, तो आपकी आपका नाम तक भी प्राइवेट रहेगा। बाकी नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स को सिर्फ ये दिखेगा कि इस पब्लिक एड्रेस ने इस कैंडिडेट के लिए वोट डाला है, लेकिन उस पब्लिक एड्रेस के पीछे कौन इंसान है, उस इंसान का नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इससे प्राइवेसी भी मेंटेन्ड रहेगी। आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है ब्लॉकचेन को लेकर? हमारी जो कंपनी जो सॉल्व करती है वो ये करती है कि लेट्स से कि कल को आपको कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल जिन कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर रहे हैं या फिर जो लोग भी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, राइट, तो वो लोग हमारे प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म द इंटायर ऑपरेशन। हमारा जो इंटायर प्रोडक्ट है ओपन सोर्स है, कम्युनिटी ड्रिवन, कम्युनिटी इसको चलाती है। हमारा काम है कि वी कम इन टू द पिक्चर कि हम उनको प्रोडक्ट बना के देते हैं, कम्युनिटी बोलती है कि मेरे को ये फीचर चाहिए तो हम वो बनाते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो अगर सीबीएसई आपके पास आएगी और बोलेगी कि हमें पूरा अपना मार्कशीट का सिस्टम ब्लॉकचेन पर करना है, तो ये आपकी कंपनी कर देगी? हम उनके करके नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ पे देखो दो चीजें होती है, एक होता है आप प्लेटफॉर्म बनाते हो, एक होता है कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो हम लोग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उसके ऊपर सीबीएसई अगर अपना एप्लीकेशन बनाना चाहती है वो बना सकती है और हम उनकी हेल्प करेंगे उसको बनाने में। अच्छा, मतलब कोई भी कंपनी अपने आप को ब्लॉकचेन के थ्रू रन करना चाहती है तो वो आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकती है? जी हाँ। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि लेट्स से कि होता है क्या, कभी कभी आप देखोगे सीबीएसई और गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो मैक्सिमम टाइम 404 एरर देने लगती है ऑन द फ्रंट एंड, या फिर इनका फ्रंट एंड लोड ही नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि या तो ये लापरवाही होती है कि आप सिस्टम को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो उन लापरवाही या फिर आप किसी भी कह लो कि ह्यूमन एरर्स को अवॉइड करने के लिए आप एक बैकअप बना सकते हो हमारे थ्रू और उन साइट्स को आप हमारे थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। तो क्या होगा कि इवन दो आपका ओरिजिनल डोमेन डाउन है,
लेकिन आपका जो एक क्योंकि ब्लॉकचेन क्या होता है, वो एक नोड्स पे काम करता है, ट्रांजेक्शन आईडी पे काम करता है, तो आपका वो जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो हमेशा लाइव रहेगा और कोई भी यूजर जाके उसको क्लिक करके ओपन कर सकता है। तो मतलब आपके ब्लॉकचेन पे अगर कोई भी वेबसाइट रहेगी तो वो कभी भी 404 का एरर नहीं देगी ना, ये तो फॉर श्योर है, कभी नहीं देगी अनटिल अनलेस एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो जाए और वर्ल्ड के जितने भी नोड हैं जहां जहां भी स्प्रेड आउट है, जो भी लोग हमारे मतलब जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड है सब डाउन चले जाए, सब डाउन चले जाए, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सिचुएशन अनटिल अनलेस बहुत बड़ा है, कोई इवेंट नहीं हो जाता। तब क्या होगा जब ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कोई इंसान घपला करने की कोशिश करेगा, ये सिस्टम उसे कैसे होने से रोक सकता है? बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए टू बी ₹50 ट्रांसफर किए जाने हैं, तो यहां पर एक नया ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें लिखा होगा ए का पब्लिक एड्रेस क्या है, बी का पब्लिक एड्रेस क्या है और कितने पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ₹50 ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब नेटवर्क में मौजूद बाकी कंप्यूटर्स इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे अच्छा ए ने कहा है बी को ट्रांसफर करने, इतने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है हम वेरीफाई करते हैं इस ट्रांजैक्शन को। लेकिन उनमें से एक कंप्यूटर कहेगा कि नहीं, हम ए टू बी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम ए टू मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो कंप्यूटर्स उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में मौजूद है, वो कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो देख रहे हैं ये ए टू बी ट्रांसफर जा रहा है। तो इसीलिए ये सिस्टम बाकी और कंप्यूटर्स की सुनेगा और ट्रांजैक्शन को ए टू बी होने देगा। अगर एक्चुअली में कोई घपला करना है ब्लॉकचेन नेटवर्क में तो इसमें 51% मेजॉरिटी की जरूरत है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी बताया जाता है एक ब्लॉकचेन का, नेटवर्क पे मौजूद अगर 51% कंप्यूटर्स को कोई हाईजैक कर ले, हैक कर ले और कुछ फ्रॉड कर दे तो वो फ्रॉड हो सकता है एक्चुअली में। लेकिन रियलिस्टिकली बात की जाए तो 51% कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क पे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सारे डिसेंट्रलाइज्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है कि एक को हैक किया तो दूसरा भी हैक हो जाएगा, सबको अलग अलग लोकेशन पर जाकर हैक करना पड़ेगा। और एक बड़ी ब्लॉकचेन में जैसे कि बिटकॉइन में, जहां पर दुनिया भर के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स उस ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, वहां तो ये चीज इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कौन इंसान जाकर इन सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है जो दुनिया भर के कोनों कोनों में मौजूद है। तो जितनी बड़ी एक ब्लॉकचेन बनेगी, जितने ज्यादा कंप्यूटर्स इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, जितने लोग इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा मुश्किल बनता जाएगा एक ब्लॉकचेन को हैक करना। एक और सवाल शायद आपके दिमाग में आएगा कि ये जो सारे कंप्यूटर्स इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये 24 घंटे वेरीफाई करने का काम किए जा रहे हैं कि ये जो नए ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड हो जा रहे हैं, ये इन्हें वेरीफाई करते हैं, अच्छा ये ब्लॉक ठीक है ये नहीं है यहां पर, लेकिन क्या मिल रहा है इन्हें करके? मतलब मैं अपने कंप्यूटर को क्यों इस काम पर लगाऊंगा कि ये ब्लॉकचेन के नेटवर्क से कनेक्टेड रहे और 24 घंटे यही काम करता रहे, मेरा बिजली का बिल यहां पर ज्यादा आ जाएगा ये करने से, मुझे क्या मिल रहा है कर? इनाम देना पड़ेगा यहां पर कुछ, और इनाम मिलता है दोस्तों बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के केस में, ये इनाम बिटकॉइंस ही होते हैं। कुछ थोड़े से बिटकॉइंस मिलते हैं हर उस कंप्यूटर को जो बिटकॉइन के नेटवर्क से कनेक्टेड है, माइन करने लग रहा है बिटकॉइंस को, और अगर कोई भी कंप्यूटर गलत वेरिफिकेशन करता है तो उन्हें पनिश भी किया जाता है, उन्हें पेनल्टी भी लगती है। तो ये एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे पूरा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क काम करता है। अगर कुछ और ऐसे एग्जांपल्स की बात करें जहां पर ब्लॉकचेन को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, तो सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है दोस्तों कि इलेक्शंस के लिए इसे एक्चुअली में यूज किया जा चुका है। अफ्रीका में एक कंट्री है सियेरा लियोन, वहां पर इलेक्शंस के दौरान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वोटिंग करते वक्त। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इलेक्शंस और वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना सही नहीं है, उनके हिसाब से इसके नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, हैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन को हैक करना मुश्किल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर एक इंसान के फोन को हैक करना इतना मुश्किल ना हो, और ऐसे अटैक्स किए जा सकते हैं जहां पर नेटवर्क स्विच ऑफ किया जाए। तो ये एक्चुअली कोई इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक डिबेट का मुद्दा है, इसे एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और क्या इसे करना सही भी है या नहीं है। लेकिन कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर ब्लॉकचेन डेफिनेटली बहुत यूजफुल है और ऑलरेडी यूज भी किया जाने लग रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल डेटा को स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि पेशेंट्स का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो किसी सेंट्रलाइज जगह पर डेटाबेस में ना स्टोर हो, किसी डॉक्टर को जब तक उन्हें जरूरत ना पड़े दिख ना सके, ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी पेशेंट्स को और ज्यादा इजीली एक्सेसिबल रहेगा वो डेटा। ट्रेडिंग में भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, वी ट्रेड नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसे बहुत लोग ऑलरेडी इस्तेमाल करने लग रहे हैं। जब भी आप कुछ सामान ऑर्डर कराते हो कहीं से और आपको सप्लायर के बारे में ज्यादा पता नहीं है कि कितना रिलायबल सप्लायर है, पता नहीं एक्चुअली में आपको सामान दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और सप्लायर को भी आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि आप एक्चुअली में पैसे दे पाओगे टाइम पर या नहीं दे पाओगे, तो यहां पर ब्लॉकचेन्स में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए आपको किसी थर्ड पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपका सामान डिलीवर हो जाएगा, आपके पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे बैंक अकाउंट से सप्लायर के बैंक अकाउंट में। सिमिलरली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, क्राउड फंडिंग और सरकारी रिकॉर्ड्स की भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करी जा सकती है ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल करके। आज के दिन सरकार हमारा कितना डेटा स्टोर करती है अपने सर्वर्स पर, जहां पर सरकार प्रोटेक्टेड नहीं रख पाती है उस डेटा को। अक्सर हमें सुनने को मिलता है सरकारी ये डेटाबेसेस हैक हो गए, जहां पर इतना डेटा लीक हो गया, ये आधार कार्ड का डेटा यहां था, यहां लीक हो गया, लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। लेकिन अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें सरकार के भरोसे पर नहीं रहना पड़ेगा ये करने के लिए। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हम सब एक दूसरे के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, अपने लिए काम बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम एक डिसेंट्रलाइज फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है बहुत सी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस जो कि आज के दिन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर आधारित है, वो जल्द ही ब्लॉकचेन में मूव करेंगी और आर्गो जैसी कंपनीज इस ट्रांजिशन को आसान बनाएंगे। आपको क्या लगता है आने वाले फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है ब्लॉकचेन की? मेरे को भरोसा है कि आगे आने वाले 10 से 15 साल बाद आप कोई भी एप्लीकेशन उठाओगे, सोशल मीडिया से ले लो, सेंसरशिप से ले लो, या फिर आप जैसे आप कॉपीराइट का इशू ले लो, वीडियो अपलोड का ले लो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म का आप नाम ले लो, वो सारे कंपनीज ब्लॉकचेन उनको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जो यूजर है वो अब ज्यादा ट्रस्ट और बिलीफ फैक्टर पे बिलीव ज्यादा करता है, और वो उन कंपनीज पे ज्यादा जाना पसंद करता है जो अपने चीजों को ओपन रखते हैं, ना कि इसको क्लोज करके और अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करके और यूज करते हैं। इसी रीजन से कुछ लोगों का मानना है कि ब्लॉकचेन्स रेवोल्यूशनाइज करके रख सकती हैं दुनिया को, जैसे इंटरनेट ने इतिहास बदल के रख दिया। आज के दिन हम इंटरनेट के बिना जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन्स के बिना जिंदगी इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं आने वाले टाइम में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।